करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कोरोना से निपटने के लिए यहां चर्चा की गई और ये फैसला हुआ कि विधायक निधि से हर विधायक 15-15 लाख अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए देंगे। अपनी अपनी विधानसभा में 15-15 लाख विधायक निधि से खर्च करेंगे। कोरोना के मद्देनजर जिस तरह से उत्तराखंड से पहला मरीज यानी पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव शख्स मिल चुका है, इसीलिए एहतियात के तौर पर चाहे आइसोलेशन वार्ड बनाना हो, चाहे जांच के लिए अच्छी कम्यूट करने की सुविधा हो, ये सारी चीजें इस निधि के अंतर्गत खर्च की जाएंगी। भविष्य में हम क्या क्या और कर सकते हैं उसके संबंध में भी चर्चा की गई कि हम चलते हुए आगे आवश्यकता के अनुरूप स्टेडियम इत्यादि को भी उपयोग करेंगे। हम लोग गढ़वाल मंडल कुमाऊं विकास मंडल निगम के गेस्ट हाउस का भी उपयोग करेंगे। हम लोग वेंटिलेटर कहां से प्राप्त होंगे इस पर भी हम लोग प्राप्त करेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया गया कि सभी मान्य विधायकगण अपने अपने जिले में सीएमओ को अपनी विधायक निधि के अंतर्गत 15 लाख रुपये देंगे। वो कोरोना से संबंधित सीएमओ आवश्यकता के अनुसार क्या जिले में आवश्यकता है, कोरोना से संबंधित इंस्ट्रूमेंट है, कुछ और अन्य प्रकार के जो खरीदने की आवश्यकता होगी, वेंटिलेटर है, जो भी उपलब्धता होगी वो उसको लेंगे। कोरोना से निपटने के लिए यहां चर्चा की गई और ये फैसला हुआ कि विधायक निधि से हर विधायक 15-15 लाख अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए देंगे। अपनी अपनी विधानसभा में 15-15 लाख विधायक निधि से खर्च करेंगे। कोरोना के मद्देनजर जिस तरह से उत्तराखंड से पहला मरीज यानी पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव शख्स मिल चुका है, इसीलिए एहतियात के तौर पर चाहे आइसोलेशन वार्ड बनाना हो, चाहे जांच के लिए अच्छी कम्यूट करने की सुविधा हो, ये सारी चीजें इस निधि के अंतर्गत खर्च की जाएंगी। भविष्य में हम क्या क्या और कर सकते हैं उसके संबंध में भी चर्चा की गई कि हम चलते हुए आगे आवश्यकता के अनुरूप स्टेडियम इत्यादि को भी उपयोग करेंगे। हम लोग गढ़वाल मंडल कुमाऊं विकास मंडल निगम के गेस्ट हाउस का भी उपयोग करेंगे। हम लोग वेंटिलेटर कहां से प्राप्त होंगे इस पर भी हम लोग प्राप्त करेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया गया कि सभी मान्य विधायकगण अपने अपने जिले में सीएमओ को अपनी विधायक निधि के अंतर्गत 15 लाख रुपये देंगे। वो कोरोना से संबंधित सीएमओ आवश्यकता के अनुसार क्या जिले में आवश्यकता है, कोरोना से संबंधित इंस्ट्रूमेंट है, कुछ और अन्य प्रकार के जो खरीदने की आवश्यकता होगी, वेंटिलेटर है, जो भी उपलब्धता होगी वो उसको लेंगे।